भीमा कोरेगांव मामले में फादर स्टेन स्वामी के घर महाराष्ट्र पुलिस ने एक बार फिर छापेमारी की है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक नामकुम बगैचा स्थित उनके इसी आवास पर महाराष्ट्र पुलिस ने छापेमारी की है। सुबह ही पुलिस पहुंच गई थी, एटीएस की टीम पहुंची हुई थी और महाराष्ट्र की पुलिस थी, लोकल पुलिस के मदद के साथ पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद पूछताछ की गई। इसके साथ साथ कई सामान भी पुलिस यहाँ से बरामद करके ले गई है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो सबसे पहले फादर स्टेन स्वामी की मेल आईडी को पुलिस ने लॉक कर दिया। उनका जो मेल आईडी का जो पासवर्ड था उसे बदल दिया गया, फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड बदल दिया गया और इसके साथ साथ जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क था वो भी पुलिस अपने साथ ले गई है। महाराष्ट्र पुलिस एक बार फिर से जब यहाँ पर पहुँची थी तो मराठी भाषा में FIR की कॉपी लेकर पहुँची थी और उसी पर फादर स्टेन स्वामी का साइन भी लिया गया और उन्हें बताया गया कि इसी सिलसिले में वो उनसे पूछताछ करने और उनके घर पर छापेमारी करने के लिए पहुँची है, जिस पर स्टेन स्वामी ने आपत्ति भी जताई और कहा कि इंग्लिश में इसे उपलब्ध कराया जाए क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती है। आपको याद होगा कि 2018 में भी एक बार फादर स्टेन स्वामी के घर इसी मामले में छापेमारी की गई थी और उस समय कई सामान यहां से बरामद किए गए थे और पुलिस अपने साथ ले गई थी, मोबाइल ले गई थी, कंप्यूटर पुलिस अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब तक वो सामान भी नहीं लौटाए गए हैं। फादर स्टेन स्वामी ने कहा है कि वो पुलिस के जाँच में उनके साथ हैं लेकिन वो अपना वक्तव्य कुछ देर बाद मीडिया के सामने देंगे कि आखिर इस बारे में उनका क्या पक्ष है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक दूसरी बार महाराष्ट्र की पुलिस यहाँ पर पहुँची भीमा कोरेगांव मामले में, तो वैसे में सवाल खड़ा होता है कि जो पूरी घटना घटी थी महाराष्ट्र के कोरेगांव में उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ये मान के चल रही है कि फादर स्टेन स्वामी की भी संलिप्तता हो सकती है और यही वजह है कि लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये एक जाँच का कहा जा सकता है कि पूरी एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत फादर स्टेन स्वामी के घर महाराष्ट्र की पुलिस पहुंची थी, कुछ सामान ले गई है और फिर उनसे पूछताछ भी की है। तो अब महाराष्ट्र पुलिस भी एक बयान जारी कर बताएगी कि आखिर फादर स्टेन स्वामी के घर से वो क्या कुछ ले गई और क्या कुछ पूछताछ में निकला। अपने सहयोगी शशि प्रताप के साथ सनी सारद, AB News रांची।